हाँ, आपको जो मैंने मेंशन किया है राइस एंड रोटी आपको सब लेना है। यस, ऑब्वियसली इट इज इंक्लूडेड इन योर प्लान, यू वोंट लूज वेट विदाउट इट। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, ये थी मेरी क्लाइंट एंड शी वाज आस्किंग मी दैट रिद्धि, यू हैव इंक्लूडेड ऑल द नॉर्मल फूड इन माय प्लान, जो मैं खा रही थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोटीज एंड राइस, जो सबको लगता है हमें छोड़ना चाहिए फॉर वेट लॉस, एंड समहाउ यू हैव इंक्लूडेड इट एंड विल आई बी एबल टू लूज वेट? क्या ये सच्ची में एक प्लान है? मुझे ये प्लान लग नहीं रहा है। गाइस, इट्स टोटली ओके टू गेट दिस पैनिक एंड टू हैव दिस कंसर्न, बट या यू हैव टू नीड टू हैव दैट स्टेपल फूड जो आपकी बॉडी के लिए बना है इन प्रॉपर बैलेंस एंड मॉडरेशन, सो दैट आप अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर पाओ। एंड टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट दिस, लेट्स गो। हाय गाइस, दिस इज रिद्धि जैन, योर सर्टिफाइड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच, एंड आज मैं आपके लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइस एंड रोटीज। शुड वी इंक्लूड देम इन आवर मील प्लान्स व्हेन वी आर लूजिंग वेट? In what quantity should we include them? Should we have them in night or should we totally avoid them? Should we have multigrain or brown rice? क्या लेना चाहिए, क्या beneficial है आपके लिए, आपको किस quantity में include करना चाहिए, आज मैं आपके सारे doubts clear करूंगी। First of all guys, let me clear it. Rice and roti both are important because हम बचपन से यही खाते बड़े हुए हैं एंड हमारे इंडिया का स्टेपल फूड है, सो व्हाई आर वी लूजिंग ऑल दिस टच एंड व्हाई आर वी इग्नोरिंग दिस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स अ वेट लॉस जर्नी? ये चीजें अभी वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंट्रोड्यूस ज्यादा हो गई हैं, बट गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमारा स्टेपल और रीजनल फूड है, अगर हम उसको स्किप करेंगे इट वोंट हेल्प मच इन अचीविंग दैट हेल्दी बॉडी। सो फॉर माई सजेशन, we should include rice and we should include rotis in all our meals and it create a perfect balance ki aapka weight loss bhi ho, aapko zyada fat diets bhi na karna pade, aap starve bhi na ho and aapko aisa bhi nahi lage why is this so difficult. You should always plan it to make it easy. So let's go and cover the nutrition facts of rice and wheat. Also kya zyada healthy hai to achieve that weight loss goal and how to consume it in proper quantities and whether brown rice or multigrain, what should be the option. Let's go. So guys, first things first, nutritional fact about white rice and wheat roti. So as you can see, these are the macronutrients that are available in rice and these are the macronutrients that are available in roti, and you can see the comparison that there is not much difference there in both the macro level of both the macronutrients. And you need to understand that you can have either one of them in your meals. And second of all, minerals. Minerals, rice mein, roti mein bhi almost similar se hote hain. Somewhat there is a difference between calcium, jo ki rice mein nahi hota hai, roti mein milta hai. And there is a level of difference of potassium, phosphorus and iron. So guys, ek बॉल पार्क पॉइंट बता देती हूँ कि बोथ आर इक्वली गुड टू कंज्यूम व्हेन यू आर इफ यू आर कंसिडरिंग लूजिंग वेट एंड ऑल्सो इफ यू आर हैविंग इफ यू आर मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड हेल्दी बॉडी। सो बोथ आर इक्वली गुड एंड यू शुड बी एबल टू अचीव वेट लॉस गोल बाय इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। सो ये तो हो गई हमारी न्यूट्रिशनल का। नाउ कमिंग टू द मोर एडवांस साइंस बिहाइंड इट टू एजुकेट यू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बेसिकली दीज बोथ आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्ब्स, ये हमें समझना चाहिए। दैट्स द रीजन वाई सम ऑफ द डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस कि आप इनको कम करो। सो कार्ब्स हैं, कार्ब्स आर डिवाइडेड इंटू सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज बेसिकली कि उस पर्टिकुलर फूड का अब्सॉर्प्शन कितनी जल्दी हो रहा है बॉडी में, जो उस हिसाब से ब्लड शुगर लेवल हमारा रेज कर रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कम, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होते हैं स्लो और उसी हिसाब से हमारा ब्लड शुगर लेवल रहता है कम, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है।
एंड जो सिंपल कार्ब्स होते हैं विच इज रिफाइंड कार्ब्स बेसिकली, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है हाई, जिसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. इजीली डाइजेस्ट होने की वजह से एकदम से आपको स्पाइक दिखेगा अपनी ब्लड शुगर लेवल में. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ओवर सिंपल कार्ब्स. नाउ कमिंग अगेन टू दीज टू कॉम्बिनेशंस, आप दिन में रोटी और राइस जरूर इंक्लूड कीजिए, बट एट द एंड इट कम्स टू द बैलेंस. यस गाइस, ऐसा नहीं है कि रोटी खा रही हूं तो रोटी आप तीनों मील्स में इंक्लूड कर रहे हो एंड यू आर ओवरडूइंग इट, सो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सेम वेज फॉर राइस, राइस को आप रादर देन एक कटोरी में लेने की बजाय आप पूरी प्लेट में डाल लेते हो, विच अगेन यू आर ओवरडूइंग इट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस एंड मॉडरेट मील. और अब आप इसको कैसे तैयार कर सकते हो, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आपकी जो प्लेट है, वेन एवर यू आर प्लेसिंग योर प्लेट, it should look like a you know colorful palette basically. So half of your plate should always be vegetables and baki half should be 1/4 portion is protein and 1/4 portion is your carbs, which is rice or either roti. Protein is dal, chicken, egg, whatever you are preferring as a protein. So then half of your plate is vegetables in the form of salad or anything, then aapke paas jagah hi utni bachegi to adjust, and that's how you can balance it easily. So because of your cravings, never overdo it and never try to complicate things, because guys, it's very simple. Aap lunch mein chapati lo, dinner mein chapati lo and you will be all sorted and satiated. Because humko apne meals mein se ye bilkul nahi hatana hai, all we need to understand is how to moderate it. Ab karte hain baat ki which options are better for your healthy weight loss. Guys, व्हाइट राइस और रोटी की हमने आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफर कर ली है, डिफरेंस एक कंपैरिजन कर लिया है, सो बोथ आर इक्वली गुड टू इंक्लूड. बट या व्हेन इट कम्स टू रोटी, फॉर रोटीज यू कैन ऑलवेज गो फॉर मल्टीग्रेन रोटीज, बिकॉज मल्टीग्रेन रोटी में व्हीट के अलावा और भी ग्रेन्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्रेन्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा होती है एंड उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इतना कम होता है दैट इट बिकम्स अ हेल्दी वर्जन. सो आई ऑलवेज सजेस्ट माय क्लाइंट्स दैट ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम ऑफ मल्टीग्रेन रोटी. ऑल यू नीड टू डू इज कि व्हीट में जब आप आटा मल रहे हैं उसमें थोड़े से और ग्रेन्स का आटा ऐड कर दीजिए एंड देन बाइंड इट. एंड व्हेन इट कम्स टू राइस, सेम वेज फॉर राइस. राइस के भी बहुत टाइप होते हैं. सिंस व्हाइट राइस इज प्रोसेस इज अ बिट मोर प्रोसेस देन अदर टाइप ऑफ राइस, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है बॉडी में, अब्सॉर्ब जल्दी, कंज्यूम जल्दी हो जाता है बॉडी में. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर सेमी ब्राउन राइस और रेड राइस और ब्लैक राइस. दे हैव हाई लेवल ऑफ फाइबर एंड हाई मिनरल एंड न्यूट्रिशन डेंस कंपेयर टू व्हाइट राइस, क्योंकि व्हाइट राइस में सब रिफाइंड होके सब हट जाता है, उसका हस्क वगैरह, कंपेयर टू ऑल अदर राइसेस जिनमें होता है. सो ऑब्वियसली उनका फिर अब्सॉर्प्शन उस हिसाब से डिफर कर जाता है, जी आई लेवल कम होता है कंपेयर टू व्हाइट राइस. सो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर टू ऑप्ट फॉर ईदर व्हाइट राइस और ब्राउन राइस. बट वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द पोर्शन साइज एट द एंड गाइज. दोनों चीजें, चाहे रोटी हो, मल्टीग्रेन हो, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, एवरीथिंग इज अलाउड इन योर प्लान. ऑल यू नीड टू डू इज बैलेंस, मॉडरेशन इज द की. क्योंकि जब तक आप अपनी हंगर, विल पावर पे कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, इवन वी विद दीज सिंपल फूड्स. सो गाइज, एट द एंड आई वॉन्ट टू कंक्लूड, have white rice, enjoy chapatis in your meals. All you need to create is perfect balance and moderation. And if you're still facing problem, then you can personally contact me for a customized diet and fitness plan, जो कि आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बना होगा. You can contact me through Gmail. My links will be shared, my Instagram, my Facebook. You can contact me anywhere and I will be so readily available to help you all in your weight loss goal. Guys, till then, stay fit, stay healthy, follow all my videos on YouTube, subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook for more regular updates. Till then guys, bye-bye.